हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइफ। सो iOS 16.4 के रिगार्डिंग काफी मिक्स्ड रिव्यूज हैं। इस पे अपडेट करने के बाद बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, बट वहीं बहुत सारे लोगों ने पॉजिटिव रिव्यूज भी शेयर करे हैं। इससे पहले वो काफी सारे बग्स एंड इश्यूज को फेस कर रहे थे। सो iOS 16.4 को कुछ दिन यूज करने के बाद यहाँ पे मैं आपको रिव्यू देने वाला हूँ, एंड इसी के साथ हम बात करेंगे जो मेजर बग्स हैं। एंड गाइस, यस, ये अपडेट भी परफेक्ट नहीं है, इसमें भी काफी सारे बग्स हैं जो कि ऑब्वियसली कुछ टाइम यूज करने के बाद ही पता चलते हैं। सो सबसे पहले हम बग्स की ही बात कर लेते हैं। अब एक चीज इस अपडेट के बाद मिसिंग है, लोग इसको बग के साथ इंटरप्रेट कर रहे हैं, विच इज स्टैंड अलोन का फीचर। सो जो लोग आईफोन्स में जियो का 5G नेटवर्क यूज कर रहे थे, 5G स्टैंड अलोन का फीचर मिसिंग है। एंड गाइस, इस चीज पे एप्पल का कहना है, अगर आपको अपने आईफोन में स्टैंड अलोन का फीचर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब आपका कैरियर उसको सपोर्ट नहीं करता है। सो गाइस, इस चीज के लिए डोंट वरी, जियो स्टैंड अलोन का सपोर्ट करता है, तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट अपडेट में आपको ये टॉगल वापस से दिख जाएगा। इसी के साथ कुछ और इश्यूज एंड बग्स लोग फेस कर रहे हैं। YouTube में लैंडस्केप मोड पे वॉल्यूम स्लाइडर नहीं आ रहा है। एंड गाइस, यस, ये एक बग है, एंड ऑब्वियसली एप्पल इसको नेक्स्ट अपडेट में फिक्स कर देगा। इसी के साथ काफी सारे लोग स्टोरेज बग को फेस कर रहे हैं, मींस अपडेट करने के बाद उनकी काफी सारी स्टोरेज एकदम ही गायब हो गई, लाइक 15 या 16 GB। एंड यस गाइस, दैट्स ट्रू, बट वो चीज टेम्परेरी बेसिस पे ही थी। एंड अभी अगर आप चेक करेंगे तो आपकी जितनी स्टोरेज पहले थी लगभग उतनी हो चुकी होगी। एंड इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने शेयर करा है उनकी स्टोरेज स्लाइटली बढ़ भी गई है। मेरे केस में स्टोरेज काइंड ऑफ सिमिलर ही है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एक और बग लोग फेस कर रहे हैं, विच इज इन व्हाट्सएप। किसी के स्टेटस का म्यूजिक किसी और के स्टेटस में सुनाई दे रहा है। अब आई वुड से इस चीज को मैंने टेस्ट करा, मुझे ये चीज फेस नहीं हुई, स्टिल कुछ लोग इसे फेस कर रहे हैं। एंड गाइस, अगर आप इसके अलावा कोई और बग फेस कर रहे हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड एज वी ऑल नो, कोई भी iOS अपडेट परफेक्ट नहीं होती है, एंड स्पेशली iOS 16 में काफी सारे बग्स चले आ रहे हैं। सो गाइस, डोंट वरी, अगली अपडेट में सभी चीजें फिक्स हो जाएंगी। सो इस अपडेट के रिगार्डिंग मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी, उसमें आपको सभी फीचर्स शेयर करे थे। यहाँ पे मैं स्पेशली बात करने वाला हूँ वॉइस आइसोलेशन के फीचर की, एंड आपको प्रैक्टिकली शो करता हूँ कि कितना डिफरेंस क्रिएट करता है, क्योंकि पर्टिकुलरली इस अपडेट का एक काफी बड़ा फीचर है। सो गाइस, अभी आप जो ऑडियो सुन रहे हैं वो iPhone 14 Pro Max के माइक से, एंड फैन चल रहा है फुल स्पीड पे, तो आपको यहाँ पे स्लाइटली थोड़ी बहुत आवाज आ रही होगी फैन के चलने की। एंड अभी मैं इसको स्विच करता हूँ वॉइस आइसोलेशन पे, एंड लेट्स सी कितना डिफरेंस रहता है। एंड आई मस्ट से यहाँ पे जो डिफरेंस है काफी ज्यादा निकल कर आता है। एंड इनफैक्ट अगर आप बहुत ही ज्यादा नॉइजी एनवायरमेंट्स में हो, मतलब कि जहाँ पे बहुत ज्यादा शोर है, वहाँ पे डिफरेंस इजीली विजिबल हो जाएगा। फाइनली बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस एंड बैटरी लाइफ की। सो एज 14 प्रो मैक्स इज माई प्राइमरी डिवाइस, इसमें मुझे परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट दिखी है, नॉट इन टर्म्स ऑफ गेमिंग बट इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी। लाइक कई बार मैं ऐप क्रैशेस को फेस करता था, वो चीज अब नहीं हो रही है। एंड इसी के साथ फोन कम हीट भी हो रहा है, विच इज अ गुड पॉइंट। एंड जितनी टेस्टिंग मैंने iPhone 12, iPhone 13 की करी है, उसमें मुझे स्टेबिलिटी में कोई इशू नहीं मिला है, अच्छी परफॉर्मेंस है। सो इस अपडेट में ओवरऑल स्टेबिलिटी बढ़ी ही है, बट एक चीज लोग यहाँ पे फेस कर रहे हैं, विच इज बैटरी ड्रेन। एंड गाइस, अगेन ये चीज काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि 14 Pro Max में मुझे बैटरी लाइफ थोड़ी सी इंप्रूव लग रही है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को पता ही होगा, जब भी हम iPhone को किसी पर्टिकुलर बैटरी लेवल तक चार्ज करते हैं, सो वो बैटरी परसेंटेज काफी देर तक टिकती है। सो इस अपडेट के पहले मेरी 14 Pro Max में वो चीज काफी कम देर के लिए होल्ड होती थी, बट इस अपडेट के साथ ये चीज ड्रास्टिकली इंप्रूव हुई है। एंड इसी के साथ बैटरी लाइफ इज स्टेबल, बट बहुत से लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं ओल्डर iPhones में बैटरी लाइफ डिप हुई है। सो गाइस, अगर आप जज कर रहे हो 2 या 3 दिन के बेसिस पे, मतलब कि अपडेट करने के 2 या 3 दिन बाद, सो आई वुड से आपको थोड़ा सा और एनालाइज करना चाहिए, क्योंकि जनरली बड़ी अपडेट्स को करने के बाद कुछ टाइम लगता है, इंटरनली काफी सारी सेटिंग्स होती हैं। बट फिर भी अगर आप बैटरी ड्रेन का इशू फेस कर रहे हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड स्पेशली मुझे अपने iPhone 12 एंड iPhone 13 में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखा है, बैटरी लाइफ ऑलमोस्ट सिमिलर ही लग रही है। सो क्या आपको iOS 16.4 पे अपडेट करना चाहिए? सो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा, इट डिपेंड्स। अगर आप iOS 16.3.1 से सेटिस्फाइड हो, एंड जो कुछ फीचर्स आपको iOS 16.4 में मिलते हैं वो नहीं चाहिए, सो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। एस जो भी बग्स एंड इश्यूज इस अपडेट में देखने को मिल रहे हैं, अगली अपडेट में वो सभी फिक्स हो जाएंगे। एंड स्टिल अगर आप अपडेट करना ही चाहते हो, सो यू कैन अपडेट। एंड स्पेशली iPhone 14 Pro सीरीज के लिए अपडेट काफी अच्छी है। सो गाइस, ये थी एक वीडियो रिगार्डिंग iOS 16.4 अपडेट। सो इन केस अगर आप लोगों ने अपडेट कर लिया है, आपका कैसा एक्सपीरियंस है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगाए, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे न्यू है सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, टिल देन टेक केयर।